नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 7 अगस्त 2019 है और 7 अगस्त 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, सेट प्रैक्टिस करना ना भूलें। प्ले लिस्ट में जाके आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिहार GK का वन लाइनर क्वेश्चन भी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस जिला की सिल्क साड़ियों को एयर इंडिया की विमान सेवा में एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म के तौर पर पहनने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, ये है भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय खादी ग्रामो उद्योग आयोग के प्रस्ताव को, ठीक है, एयर इंडिया के अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी है और पहले चरण में एयर इंडिया को खादी ग्राम उद्योग आयोग से 13,220 साड़ियों की आपूर्ति की जाएगी। और साड़ियाँ मुख्य रूप से भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में तैयार की जाएगी और एक साड़ी की कीमत होगी 4500 रुपये। ठीक है, अब नाम आया है भागलपुर का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं भागलपुर कहाँ पर है। ये रहा बिहार का मैप, देखिए ये रहा भागलपुर ज़िला। भागलपुर जिला का सीमा किस किस जिला से सट रहा है? तो देखिए, बांका है, मुंगेर है, खगड़िया है, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं कटिहार और ये भागलपुर, तो इसके बीच में गंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं बिहार के भौगोलिक मैप में। ये रहा बिहार का भौगोलिक मैप। ठीक है, देखिए ये रहा आपका कटिहार, ठीक है, और ये रहा आपका भागलपुर, ऐसे दोनों के बीच में गंगा नदी बहती है और इसी जगह के बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यानी भागलपुर के बाद गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और भागलपुर का सीमा पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। ठीक है, अब नाम आया भागलपुर का, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। भागलपुर का क्षेत्रफल हो गया 2,570 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या हो गया 30,37,766 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व हो गया 1,182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता दर हो गया 67.14%। लिंगानुपात है 880 महिला प्रति 1,000 पुरुष। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है जिसका स्थापना 1991 में हुआ था। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर में फल अनुसंधान संस्थान है और भागलपुर तसर रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। भागलपुर के कहलगाँव से वेनसांग चीनी यात्री थे, वो ताम्रलिप्ति की यात्रा प्रारंभ किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे जो कि पाल वंश के थे। 1855 में सिद्धू और कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे जिन्होंने भागलपुर में संथाल विद्रोह का किया था। ठीक है, और ये संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे सिद्धू और कानू थे। ठीक है, 1855-56 में संथालों ने भागलपुर राजमहल में अपनी सरकार की घोषणा की थी और भागलपुर राजमहल को दमन एको के नाम से भी जाना जाता है। दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि 9 से 10 अप्रैल 2009 को हुआ था भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डेंटल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिला है? तो नालंदा में मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नाम आया नालंदा का, तो चलिए फिर बिहार के मैप में देखते हैं नालंदा कहाँ पर है। ये रहा बिहार का मैप, ये रहा आपका नालंदा जिला। नालंदा जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, गया है, जहानाबाद है, पटना है, लखीसराय है, शेखपुरा है और नवादा है। ठीक है, अब नाम आया नालंदा जिला का, तो चलिए भी नालंदा जिला के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। नालंदा जिला का स्थापना हुआ 1972 में, क्षेत्रफल हो गया इसका 2,355 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर है 64.43%, लिंगानुपात हो गया 922 महिला प्रति 1,000 पुरुष, जनसंख्या घनत्व हो गया 1,222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नालंदा प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे और 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था।
वेनसांग 12 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। हर्षवर्धन और कुमार गुप्त ने नालंदा को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। 1951 में नालंदा में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया था जिसका नाम था नव नालंदा महाविहार। नालंदा में राजगीर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम ग्रीवस था जो कि मगध की राजधानी थी और यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। राजगीर के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में है विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफा, मनियारी मठ, सप्तधारा गर्म जलधारा का झरना। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और बिहार शरीफ जो है ये नालंदा में है। कुपाषाण काल, नागार्जुन नालंदा का एक प्रसिद्ध रसायनविद था जिसने बीकर उपकरण का आविष्कार किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी संप्रदाय से था। उनका जन्म 1262 में मनेर में तथा मृत्यु 1377 में बिहार शरीफ में हुआ था। और मध्यकाल में बिहार शरीफ पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित कराए गए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध था। और मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या का धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये सितंबर से यह स्कीम लॉन्च किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, यह स्कीम ऐसे पेशेवर के लिए है जो डेयरी, पोल्ट्री, मखाना, केला व लीची समेत अन्य उत्पाद के प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेक्टर में कार्यरत है। योजना के दायरे में आने वाले लोगों को काउंसलिंग द्वारा प्रमाणीकरण करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। करीब 10 लाख पेशेवर को पहचान और सम्मान दिलाने के लिए प्रमाणीकरण किया जाएगा। और इस योजना के दायरे में बढ़ई, नाई, मूर्तिकार, टेलर मास्टर, वेंडर, राजमिस्त्री, ब्यूटिशियन और इलेक्ट्रिशियन आदि लोग भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी खेलने वाले बिहार के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दलीप ट्रॉफी खेलने वाले बिहार के तीसरे खिलाड़ी बने हैं अमन आशुतोष। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोटो भी देख सकते हैं, यही है अमन आशुतोष। महेंद्र सिंह धोनी, राजीव राजा के बाद आशुतोष अमन तीसरे बिहारी बने हैं जो दलीप ट्रॉफी के लिए चुने गए हैं। ठीक है, और 15 साल बाद बिहार से किसी खिलाड़ी का चयन हुआ है दलीप ट्रॉफी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान विभाजन के 72 साल बाद पहली बार पाकिस्तान के नानकाना साहेब से निकली कीर्तन पटना कब पहुँचेगी? तो ये पहुँचेगी 21 अगस्त को। ठीक है, ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 अगस्त की शाम तक श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुँचेंगे प्रथम गुरु और गुरु नानक देव की महाराज जी की 550वें प्रकाश पर्व पर निकले इस नगर कीर्तन का दशमेश गुरु की धरती पर स्वागत करने की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जगहों पर मलखम ट्रेनिंग सेंटर खोलने को मंजूरी मिला है? तो दोस्तों ये 4 जगहों पर मलखम ट्रेनिंग सेंटर खोलने को मंजूरी मिला है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे है? देखिए, पटना, गया, भागलपुर और औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो बिहार का लिंगानुपात 900 महिला प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पिछला आंकड़ा अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ष 2014-16 के अनुसार 908 महिला प्रति 1000 पुरुष थे जो कि घटकर अब 900 हो गया। ठीक है, 2001 में 942 महिला प्रति 1000 पुरुष था जो कि 2011 में घटकर 933 हो गया था। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला में पटना, वैशाली, लखीसराय और बांका शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने कितने रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी है बिहार में? तो 1288 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 प्रस्तावों को स्टेज 1 का क्लियरेंस मिल गया है और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा सबसे अधिक 13 प्रस्ताव खाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में शामिल है जिसमें 1044 करोड़ रुपया निवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशील मोदी ने 5 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने को कहा है? तो 5 अगस्त को कश्मीर मुक्ति दिवस के रूप में मनाने को कहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो जजों की संख्या को बढ़ाकर 80 की जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जजों की संख्या को 53 से बढ़ाकर 80 किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज का करेंट अफेयर, चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस फाइनेंस कंपनी को वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी इवेल्यूएशन ग्राहक सेवा सूचकांक में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उस कंपनी का नाम है आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कल का, बिहार के किस व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अनुराग शरण को सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग शरण को 2007 में बेस्ट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए प्राइम टाइम इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस महिला को महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने रोहतांग के बालचंद पर्वत पर पहुंचकर तिरंगा फहराया? तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।